हेलो एवरीवन, लिटरेरी टर्म बाय एम एच अब्राहम सीरीज के साथ साथ एक नई सीरीज जो रिलेट करती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सीरीज के लिए हम सोर्स को ले रहे हैं एक बुक जो विलियम हेनरी हडसन की द्वारा लिखी गई है। हेनरी हडसन बोला जाता है, इसके नाम से पॉपुलर है, काफ़ी अच्छी और कॉम्पैक्ट बुक है। तो इनकी बुक है जिसका टाइटल है एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसको सोर्स बनाकर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जानेंगे, उसके पीरियड्स को जानेंगे, उस समय हिस्टोरिकल मूवमेंट क्या क्या चल रही थी और लिटरेरी घटनाएं कौन कौन सी डेवलप हुई। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जानने का पर्पज होता है कि कुछ फैक्ट डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमें क्लियर हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को समझने में वहाँ के पीरियड, वहाँ के सिस्टम, वहाँ पे कल्चर और वहाँ पर क्या पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी उनका उन वर्क पर इफेक्ट पड़ता है, वो सब चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाती है। सो हमने इसमें TGT सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चैप्टर्स को क्लियर कर लिया है कि जो जो हमें इस बुक में कवर करने हैं। फर्स्ट है फ्रॉम चौसर टू टोटल्स मिसलैनी, जो एज को कवर करता है 1400 से 1557 तक। सेकंड चैप्टर है द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा 1561 तक। फिर एज ऑफ शेक्सपियर जो 1558 से 1625 तक मानी जाती है एज ऑफ शेक्सपियर। फिर सेकंड है एज ऑफ शेक्सपियर ड्रामा की एज है, और फिर एज ऑफ शेक्सपियर प्रोज की एज है, और लास्ट चैप्टर जो TGT सिलेबस को इस बुक से कवर करता है एज ऑफ मिल्टन जो 1625 से 1660 तक रेस्टोरेशन तक माना जाता है। इन सभी टॉपिक्स को हम चैप्टर वाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम चौसर टू टोटल्स मिसलेनी। जी, मेरा मेथड क्या होगा, मैं बुक्स के इंपॉर्टेंट सेक्शन को यहाँ पर रीड करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, और उसमें से कुछ जो फैक्ट निकलते हैं जो जनरली आप बुक में पढ़ते हैं और उनको भूल जाते हैं उनकी बैकग्राउंड को रिलेट करते हुए आपको बताऊँगा। आपको वो फैक्ट आप पेन डाउन कर लेने हैं अपने नोट्स, जो भी डायरी में आप प्रिपेयर करते हैं उसमें लाइन टू लाइन वन लाइनर वे में आप उनको नोट कर लीजिए। जी, पेज नंबर 34 पर है द किंग स्क्वायर, एक वर्क का नाम है क्वायर, दैट इज़ अ बुक, बुक का नाम है जो राजा ने लिखी थी। कौन से राजा थे, जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, उन्होंने ये बुक लिखी थी किंग्स स्क्वायर। और इसमें जो कहानी थी वो उनके प्रेम की कहानी थी फॉर लेडी जेन बेफोर्ट, जो ड्यूक समरसेट की बेटी थी जो बाद में उनकी वाइफ बन गई। उसके साथ उनके लव अफेयर की पूरी जो पोएम है वो इस वर्क के अंदर लिखी गई थी। वर्क का क्या नाम है, द किंग स्क्वायर। ऑथर कौन है, जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड। ये दो फैक्ट अभी तक हुए। और इस बुक को उन्होंने जब लिखा तो इसमें किस स्टेंजा का यूज किया, क्योंकि पोएट्री थी, इसमें उन्होंने चौसेरियन स्टेंजा जो 7 लाइन स्टेंजा होता है इसको यूज किया। चौसर ने एक स्टेंजा इन्वेंट किया था, स्टेंजा फॉर्म इन्वेंट की थी जो 7 लाइन स्टेंजा थी, और इस स्टेंजा की राइम स्कीम TGT 2021 में पूछी जा चुकी है चौसेरियन स्टेंजा की। ये 7 लाइन स्टेंजा है और इसी स्टेंजा का यूज जेम्स फर्स्ट ने अपने इस वर्क लव पोयम किंग स्क्वायर में यूज किया, और उन्हीं के नाम पर इसका दूसरा नाम यूज किया जाने लगा, राइम रॉयल। जी, चौसेरियन स्टेंजा को ही राइम रॉयल बोला जाता है जो 7 लाइन स्टेंजा है, और इसको ये राइम रॉयल नाम क्यों दिया गया, जेम्स फर्स्ट के कारण इसको ये नाम दिया गया, वो किंग ने अपना वर्क लिखा था किंग स्क्वायर। तो किस वर्क के बाद चौसेरियन स्टेंजा को राइम रॉयल बोला जाने लगा, किंग स्क्वायर वर्क के बाद जिसको लिखा था जेम्स फर्स्ट ने चौसेरियन स्टेंजा को राइम रॉयल बोला जाने लगा। यहाँ पर 3 फैक्ट आ जाते हैं, चौसेरियन स्टेंजा का दूसरा नाम क्या है, राइम रॉयल, चौसेरियन स्टेंजा जिसमें 7 लाइन होती है जिसको राइम रॉयल के नाम से भी जाना जाता है, और राइम रॉयल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जेम्स फर्स्ट के जो वर्क था किंग स्क्वायर उसमें उन्होंने इसको यूज किया, और इसीलिए इस स्टेंजा को राइम रॉयल बोला जाने लगा। ये 3 फैक्ट आप नोट कर लीजिए। फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, विलियम कैक्सटन जो 15 सेंचुरी का एक पॉपुलर नाम है। विलियम कैक्सटन क्यों पॉपुलर है, क्योंकि 1476 में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस ब्रिटेन में इन्वेंट की थी, इंट्रोड्यूस की थी। फ्रांस में प्रिंटिंग होती थी, जर्मनी में प्रिंटिंग होती थी, लेकिन ब्रिटेन में प्रिंटिंग नहीं होती थी, और प्रिंटिंग के कारण ही वहाँ पर लिटरेचर डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो विलियम कैक्सटन वो नाम है जिन्होंने प्रिंटिंग को ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किया, और वो ईयर है 1476। ये ईयर नोट कर लीजिए और ये नाम नोट कर लीजिए। और इन दोनों पॉइंट से भी सबसे बड़ा पॉइंट है, जब उन्होंने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की तो उन्होंने सबसे पहले किस वर्क को प्रिंट किया, उन्हें बहुत कंफ्यूजन था किसको, चौसर के वर्क को प्रिंट करें या किसको करें, और उन्होंने एक वर्क प्रिंट किया मोर्टे डी ऑर्थर। TGT और नेट में कई बार पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट प्रोज वर्क पब्लिश हुआ
प्रिंटिंग प्रेस के बाद विलियम कक्सटन ने प्रिंट किया वो था मोर्टे द ऑर्थर। किसका वर्क था? सर थॉमस मेलोरी का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोर्टे डी ऑर्थर पूछा जा चुका है, फर्स्ट प्रिंटिंग वर्क जो विलियम कक्सटन ने किया। तो तीन फैक्ट इस पैराग्राफ से मिल जाते हैं। विलियम कक्सटन वो व्यक्ति है जिन्होंने प्रेस को ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किया, कब? 1476 में। और उन्होंने सबसे पहले प्रिंट किस वर्क को किया? मोर्टे डी ऑर्थर को। ये तीन फैक्ट आप अभी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है। इसके बाद 16 सेंचुरी में जो पॉपुलर प्रोज वर्क आए उसमें से कुछ को जान लेते हैं। टीजीटी में अक्सर नहीं पूछे गए हैं लेकिन हमें जान लेते हैं। विलियम टेंडेल का वर्क है न्यू टेस्टामेंट जो 1525 में पब्लिश हुआ। न्यू टेस्टामेंट बिगिनिंग हुई यहाँ पर प्रोज वर्क की और उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो न्यू टेस्टामेंट है, बिगिनिंग है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ काफ़ी वर्क आए जिसमें क्रोमवेल का ग्रेट बाइबल भी है, बाइबल की ट्रांसलेशन की गई थी, पर यहाँ पे न्यू टेस्टामेंट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस। एक दूसरा नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो लिखना होगा, यूथोपिया। वर्क का नाम है यूथोपिया जिसको लिखा था थॉमस मोर ने। वर्क का नाम है यूथोपिया, द यूथोपिया। किसने लिखा? थॉमस मोर ने। थॉमस मोर ने, MORE जी। थॉमस मोर का वर्क है यूथोपिया। यूथोपिया क्यों इंपॉर्टेंट है? उस एज का 16 सेंचुरी में जब प्रोज डेवलप हो रही थी तो उस समय ये वर्क लिखा गया। और यूथोपिया का मीनिंग होता है एक ऐसी जगह जो कहीं पर भी नहीं है। क्यों? दैट मीन्स अ परफेक्ट प्लेस। एक राम राज की बात करते हैं जहाँ पर सब खुश है, कोई भी दुखी नहीं है, ऐसी जगह को यूथोपिया बोला जाता है। और ये ऐसी जगह बन जाती है जो कहीं पर भी नहीं है। तो यूथोपिया इज ए पॉपुलर वर्क ऑफ अर्ली 16 सेंचुरी। तो न्यू टेस्टामेंट और यूथोपिया दो इंपॉर्टेंट वर्क हो जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। किसने लिखा था? थॉमस मोर का वर्क यूथोपिया। यूथोपिया के बारे में कुछ और फैक्ट जानेंगे। यूथोपिया को थॉमस मोर ने सबसे पहले लेटिन में लिखा था 1516 में। ये एज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये ईयर, लेकिन सबसे पहले इसको लेटिन लैंग्वेज में लिखा गया था और इनकी डेथ के बाद इसको इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लाया गया, कब? 1551 में। और ये ईयर कई बार पूछा जा चुका है और एक बड़ी घटना के रूप में इसको मार्क किया गया है हिस्ट्री में, ठीक है। यूथोपिया कब पब्लिश हुआ इंग्लैंड में? 1551 में। ये आपको याद रखना होगा। एक साइड फैक्ट बस यही है कि इसको लेटिन में सबसे पहले उन्होंने 1516 में लिखा था। यूथोपिया का मतलब होता है अ प्लेस दैट इज नोवेयर, ऐसी जगह जहाँ कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रामराज है, सब खुश है और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। इस पैराग्राफ से इतना ही था। न्यू टेस्टामेंट एंड यूथोपिया जो थॉमस मोरे ने लिखा और इंग्लैंड में वो 1551 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है 16 सेंचुरी में न्यू टेस्टामेंट और यूथोपिया के बाद। जो बात आती है हेनरी 8 के रेन में दो ऐसे नाम थे, दो टू नेम स्टैंड आउट कंस्पिशियसली, दो आर थॉमस वर्ट एंड हेनरी होवर्ड। हेनरी होवर्ड का दूसरा नाम जो है वो उनकी एक उपाधि है अर्ल ऑफ सर्रे। ये दो नाम इंग्लिश टीजीटी के एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने डेवलपमेंट किया इंग्लिश लिटरेचर में बहुत कुछ। क्या किया जानते हैं? थॉमस वर्ट एंड हेनरी होवर्ड जिनको अर्ल ऑफ सर्रे के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। बोथ मैन वर फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ द न्यू कल्चर क्योंकि रेनेसा स्टार्ट हो चुका था, ड्रंक डीप ऑफ इटालियन पोएट्री, इटालियन पोएट्री को पूरी तरह ये पी गए। एंड इट वॉज अंडर दीज इन्फ्लुएंस इन्हीं के प्रभाव से क्या हुआ, दे अर्ली क्रिटिक पैंथन प्रेज, उन्होंने उसके बारे में क्या कमेंट किया, दे ग्रेटली पोलिश्ड आवर रूड एंड होमली मैनर ऑफ वल्गर। उनके जो होमली वल्गर मैनर थे उनको पूरी तरह से पोलिश्ड कर दिया गया। उनकी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी, लोकल लैंग्वेज थी, उसमें कुछ भी नहीं था, उनको इम्प्रूव कर दिया। पोएसिस फ्रॉम दैट इट हैड बिफोर टुगेदर दे ब्रोट फ्रॉम इटली द लव पोएट्री। और वो दोनों मिलकर इटली से जितनी भी लव पोएट्री थी जिसको एमोरिस्ट पोएट्री बोला जाता है इटालियन में, उसको वो इंग्लैंड ले आए। इटली की जितनी भी लव पोएट्री थी उनको सबको वो इंग्लैंड ले आए। कौन? थॉमस वर्ट एंड अर्ल ऑफ सर्रे। उनके लाने से क्या हुआ, कौन सी पोएट्री है जान लेते हैं, विच पेट्रार्च और उसके फॉलोअर्स ने जो लिखे थे
अपनी प्रेमिका लोरा के लिए, और जिसको बाद में क्या नाम दिया गया इंग्लिश में आके, सोनेट। इस तरह से हम जानेंगे कि इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस किसने किया, थॉमस वर्ट एंड हेनरी होवर्ड ने। इटालियन सोनेट्स को, लव सोनेट्स को उन्होंने कॉपी किया जो पेट्रार्च ने लिखे थे अपनी बिलव्ड लोरा के लिए। ठीक है, तो दो नाम जो सोनेट को इंट्रोड्यूस इंग्लैंड में करने के लिए जाने गए, थॉमस वर्ट एंड हेनरी होवर्ड, जिसको अर्ल ऑफ सर्रे भी बोला जाता है। ठीक है, फर्दर जानेंगे, इन द इमिटेशन वाइल सर्रे ने क्या किया, अर्ल ऑफ सर्रे हेनरी होवर्ड इमिटेशन कर रहे थे, वो इटालियन मॉडल एपिक था इंग्लिश में जिसका नाम था एनीड। होमर का सॉरी एनीड जो एपिक था उसकी वो ट्रांसलेशन कर रहे थे, और ट्रांसलेशन करते करते उन्होंने क्या इन्वेंट कर दिया, अनराइम्ड 10 सेलेबल वर्स। उन्होंने उसमें अनराइम्ड 10 सेलेबल्स वर्ड को, वर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। 10 सेलेबल मतलब एक फुट में 2 सेलेबल होते हैं, 1 फिट इज इक्वल टू 2 सेलेबल, और 5 फिट इक्वल टू 10 सेलेबल, और ये जो 10 सेलेबल है इन्हीं को नाम दिया गया पेंटामीटर। पेंटामीटर तो ये पेंटामीटर बन गया, और क्योंकि ये अनराइम्ड थे तो अनराइम्ड पेंटामीटर जो पोयम होती है उसी को बोला जाता है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स तो यहाँ पे जो 10 सेलेबिक वर्स को इन्होंने इन्वेंट किया, जैसे चौसेरियन ने 7 लाइन स्टेंजो को इन्वेंट किया था, इन्होंने भी 10 सेलेबल वाले एक वर्स, एक पोयम को इन्वेंट किया जो अनराइम्ड होती थी, और यही क्या बन गया, ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स को किसने इंट्रोड्यूस किया, अर्ल ऑफ सर्रे या हेनरी होवर्ड, यही नाम हम पढ़ते हैं कि हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स। ठीक है, इसमें 10 सेलेबल होते थे और ये अनराइम्ड होता था। अगर अनराइम्ड नहीं होगा तो ये इसको आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं, और जब ये अनराइम्ड होता है तब इसको ब्लैंक वर्स बोला जाता था। तो ब्लैंक वर्स के ओरिजिनेटर कौन है, अर्ल ऑफ सर्रे। इस फैक्ट को नोट कर लीजिए। सोनेट को इन्वेंट किया, सर थॉमस वर्ट का नाम आता है और साथ में नाम जुड़ जाता है हेनरी होवर्ड, अर्ल ऑफ सर्रे। लेकिन अगर ब्लैंक वर्स की बात करेंगे तो इसमें एक ही नाम आता है, हेनरी होवर्ड या अर्ल ऑफ सर्रे। और वो किस चीज़ का ट्रांसलेशन कर रहे थे, एनीड का ट्रांसलेशन कर रहे थे। एनीड जो एक एपिक है, रोमन एपिक है, उसकी वो ट्रांसलेशन कर रहे थे, और उसमें ट्रांसलेशन करते हुए उन्होंने अनराइम्ड 10 सेलेबल वर्ड्स का यूज किया, और क्या बन गया वो, दैट बिकम नेम ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स जिसको हम आज ब्लैंक वर्स के नाम से जानते थे, तो इसका इन्वेंशन हेनरी होवर्ड ने किया। ये 4 फैक्ट यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसी पेज पर है, पेज नंबर 39 पर ही, थॉमस वर्ट एंड सर्रे आर चीफ पोएट प्रेजेंटेड इन कलेक्शन। उन्होंने एक कलेक्शन तैयार किया किस चीज़ का, सॉन्ग्स एंड सोनेट का। सॉन्ग्स एंड सोनेट का उन्होंने एक कलेक्शन तैयार किया जो अलग अलग ऑथर्स ने लिखा था। ठीक है, यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया था कि नेम यूथोफिया इज फॉर्म ऑफ 2 ग्रीक वर्ड विच मीन्स नोवेयर, एक ऐसी जगह जो कहीं पर भी नहीं है, एडजेक्टिव यूथोफियन बोला जाता है इसके लिए, और इसका अपोजिट होता है डिस्टोपिया। एग्जाम में TGT 2016 के एग्जाम में यूथोपिया का अपोजिट पूछा गया है, दैट मीन्स डिस्टोपिया, जहाँ पर कोई भी खुश ना हो। तो अभी यहाँ पर वर्ट और सर्रे ने एक कलेक्शन यूज किया, कलेक्ट किया, जिसमें सॉन्ग्स एंड सोनेट्स थे अलग अलग ऑथर्स के। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगले पेज पर कवर करते हैं। इसमें क्या था, इस कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जिसको नाम दिया गया पब्लिशर के नाम पर, और उस पब्लिशर का नाम था टोटल्स मिसलैनी, और इसका नाम रख दिया गया टोटल्स मिसलैनी, क्योंकि उसने सर थॉमस टोटल थे या रिचर्ड टोटल थे, कुछ ऐसा नाम था, इन्होंने इसको पब्लिश किया, और उन्हीं के नाम पर इस कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट, जिसको इकट्ठा किसने किया था, थॉमस वर्ट और हेनरी होवर्ड ने, और जिसको पब्लिशर थे टोटल, और टोटल के नाम पर इसको रख दिया इसका नाम टोटल्स मिसलैनी, जो 1557 में पब्लिश हुआ। एक एज इंग्लिश हिस्ट्री का यहाँ पर पूरा हो जाता है, इसके बाद नया एज चलेगी 1558 से, क्वीन एलिजाबेथ रानी बनी 1558 में। ठीक है, तो उससे ठीक एक साल पहले टोटल्स मिसलैनी पब्लिश हुई थी। न्यूमरस टाइम, कितनी बार ये पूछा जा चुका है, टोटल्स मिसलैनी कब पब्लिश हुई, 1557, टोटल्स मिसलैनी कब पब्लिश हुई, 1557।
और उसके ठीक एक साल बाद क्वीन एलिजाबेथ क्राउन बनी, महारानी बनी इंग्लैंड की, जो हेनरीट की बेटी थी। तो ये फैक्ट आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा इसमें कुछ फैक्ट हैं, यहाँ पर बात की गई है, समरी की गई है। सर थॉमस वट उनकी एज ये है, हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सर्रे, और टोटल्स मिसलेनी 1557 में पब्लिश हुआ। उस समय जो क्राउन थे वो मैरी थी वहाँ की, और उससे पहले जो थे एडवर्ड फिफ्थ सिक्स थे। सो आई होप दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू। थॉमस मोरे का जो लैटिन वर्क 1516 में पब्लिश हुआ, और जो इंग्लिश में पब्लिश हुआ था 1551 में। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और पेन डाउन दीज फैक्ट्स। मैं इस बुक से ऐसे ही चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन करूंगा, और उसमें जो फैक्ट होंगे वो आपको नोट कराता चलूंगा। यू हैव टू डू इट। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।